झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का बीजेपी से 14 साल का वनवास खत्म हो गया। बाबूलाल के घर वापसी से झारखंड में बीजेपी की सियासत में आमूलचूल बदलाव आने जा रही है। झारखंड में एक मजबूत आदिवासी चेहरे की तलाश कर रही बीजेपी को मरांडी के तौर पर एक ऐसा नेता मिल गया जिसकी जड़ें संघ से भी जुड़ी है। झारखंड की राजनीति में बाबूलाल मरांडी की एक अलग ही पहचान रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बाबूलाल मरांडी एक बार फिर से बीजेपी परिवार का हिस्सा बन गए। आने का कोई अचानक नहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रयास क्योंकि काफी हमारे प्रेस के मित्र हैं जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार गई इसलिए आपको बुला रहे हैं। तुम्हें कहूंगा कि बिल्कुल ये गलत क्योंकि ये बीते 2006 में हमने घर छोड़े थे उसी समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भी नेता बने थे लाने का बहुत ही प्रयास किया बहुत ही कोशिश की लेकिन आदमी के लिए अपनी अपनी जिद होता है और अपने आप को भी बनाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमने कहा था कि ये जो प्रयास है उसी समय से चल भी रहा था और आज अमित भाई यहाँ उपस्थित है 2014 में हमसे उन्होंने कही एक गप्पे बात हुई लेकिन हमने कहा कि हमारी भी अपनी जिद और इतना ही नहीं बल्कि 2014 के लोकसभा चुनाव भी हम हार गए थे विधानसभा चुनाव भी हार गए थे। हमें याद है कि हमारे मित्र साथ में रहे सुनील तिवारी जी हम लोग कलकत्ता में बैठे हुए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कई बार बीजेपी की तरफ से उन्हें शामिल होने का प्रस्ताव कई बार भी मिला है। मरांडी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी उन्हें अपना मानते हैं। मरांडी ने संकेत दिया कि बीजेपी उनके घर जैसा ही है और उस समय आग्रह किया था कि आप चले आए आ रहे हो गए पार्टी में मिल करके हम सब लोग काम करें लेकिन हमारे दोस्त के माध्यम से हमने मना कर दिया। हमने कहा कि नहीं ये हो नहीं सकता लोग हमें क्या कहेंगे कि हम हार गए तो हम दौड़ के चले आए। तो मैं इतना ही सिर्फ कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि पहली दफा को यह प्रयास हुआ ये ठीक है 2019 का जो चुनाव समाप्त हुआ तो उस सूत्र में ओम प्रकाश माथुर जी बने एक सूत्रधार बने यहाँ तक आए भैया। इसलिए हम यहाँ आए हैं तो अचानक ये प्रयास नहीं मैं हर हमेशा बताते रहा कि प्रारंभ से ही बीजेपी ने प्रयास करते रही है नेताओं ने प्रयास करते रहे क्योंकि शेष जो मंच पर बैठे हुए जितनी भी असर हम सब लोगों ने मिलकर के एक साथ काम भी किया है और इसलिए सबों से कोई परिचय सबसे है और सबों ने जहां कहीं भी मिलते थे तो सब लोगों अपने ओर से एक बार जरूर आग्रह करते। तो इसलिए मैंने कहा कि कोई अचानक नहीं और जब आने की बात चली तो भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हुए कार्यकर्ता तो अपनी दूरभाष से टेलीफोन से मोबाइल से या आकर के मिल करके बधाई दे तो ऐसा लगा नहीं कि हम कोई कहीं जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान अर्जुन मुंडा और रघुवर दास की मौजूदगी से ये तय हो गया है कि अमित शाह पार्टी के भीतर किसी भी तरह की गुटबंदी को खत्म करना चाहते हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी की अमित शाह ने तारीफ की। शाह ने कहा कि बाबूलाल मरांडी के सम्मान का पार्टी में पूरा ख्याल रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की ओर से भाई बाबूलाल मरांडी जी और उनके साथ आए हुए हजारों लाखों झारखंड विकास मोर्चा के कार्यकर्ताओं का स्वागत भी करता हूं और विश्वास भी दिलाता हूं कि आप आपके ही घर में आए हैं। कभी आपको ये नहीं लगेगा कि आप कहीं बाहर से आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। शाह ने कहा कि झारखंड में बीजेपी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। मान करती है और हम झारखंड की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि सत्ता में रहते हुए जितना काम किया उससे अधिक काम विपक्ष में रहते हुए सत्ताधारी पार्टी के कान पकड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार जो अच्छाई के लिए करती है लोगों के विकास के लिए करती है गरीब के विकास के लिए आदिवासी के विकास
विकास के लिए योजनाएं लेकर आती है उसका तो समर्थन करेगी, परंतु भ्रष्टाचार, नक्सलवाद और आतंकवाद की बढ़ोतरी करने का जो प्रयास हो रहा है उसके खिलाफ डटकर मुकाबला भी करेगी और उसका जवाब भी गलियों में भी देगी, सदन के अंदर भी देगी। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी जहां भी रहें खुश रहें। सोरेन ने कहा कि मरांडी जी अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उनका अपना निर्णय है, राजनीति में निर्णय लेने के लिए लोग स्वतंत्र होते हैं और जेबीएम प्रमुख किस उद्देश्य से किस सोच के तहत गए हैं ये तो मैं नहीं बता सकता। कह सकता हूँ कि मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहाँ रहें खुश रहें मेरी शुभकामनाएं। बाबूलाल मरांडी की शामिल होने से बीजेपी को मजबूती मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव में हार से सबक लेकर बीजेपी अपने संगठन को धार देने में जुट गई है और इसका फायदा उन्हें आने वाले वक्त में मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।